दोस्तों नमस्कार, पटना यूनिवर्सिटी उन्नीस जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबर में आप सबका स्वागत है और हम आस्के पे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CBCS कोर्स हुआ फीस बढ़ाने को लेकर के प्रस्ताव मंजूर हो चुका है और स्टूडेंटों ने धरना प्रदर्शन भी किया और हंगामा भी किया, जैसा कि आप तस्वीर को देख करके समझ गए होंगे। आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे यहाँ जो जानकारियाँ दी गई महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र संघ ने सीनेट में ऑनलाइन लिंक से जुड़कर फीस बढ़ोतरी का किया था विरोध और सड़क प्रदर्शन। तो यहाँ पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं, विरोध को पहले किया म्यूट और फिर एक्सिट हो गया, मतलब म्यूट करके फिर बाद में निकल गए। चलिए इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक पहली बार ऑनलाइन हुई तो प्रदर्शन करने का छात्रों का तरीका भी कुछ अलग था। छात्र सड़क पर पहले की तरह सीनेट भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और विश्वविद्यालय द्वारा जारी लिंक से जुड़कर उक्त प्रदर्शन को बैठक में प्रदर्शित कर रहे थे। इसमें वाम छात्र संगठनों के अलावा राजद व अन्य संगठनों के छात्र शामिल थे। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, हंगामे की वजह से आवाज़ों को बाद में टेक्निकल टीम ने उसको म्यूट कर दिया, फिर एग्जिट कर दिया। बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि विषय में फीस बढ़ोतरी को लेकर के विरोध किया जा रहा था, यहाँ पे चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं कुलपति, जो कि पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो इसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा सीनेट बैठक में अपने अभिभाषण में कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा, विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कुलपति के रूप में मैं स्वीकार करता हूं, जो कि अच्छी खबर है और अच्छी बात भी है। तो चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है, कर्मचारी को अनुकंपा पर नियुक्त हुआ प्रमोशन के लिए भी मांग उठाई जा रही है। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि बीपी मंडल की प्रतिमा लगाने को लेकर के हंगामा भी हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जूम मैं कर दिया हूँ और बैठक काफ़ी हंगामेदार रही है, जैसे कि आप तस्वीर को देख करके शुरुआत में ही मैं भी आपको बतला दिया हूँ। और यहाँ पे एक और बात, जो कि साफ तौर पर बजट जो पास हुआ है, जो कि 525.77 करोड़ घाटे का बजट पास हुआ है। यहाँ पटना विश्वविद्यालय में मंगलवार को सीनेट की वर्चुअल बैठक, जो कि कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 525.77 लाख 75 हज़ार रुपये घाटे का बजट पास हुआ है। और यहाँ पे कुल अनुमानित व्यय 561.54 लाख 81 हज़ार 599 रुपये, जो आंतरिक स्रोत से कुल आय यानी 35.77 लाख 6,562 रुपये दर्शाया गया। यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है, प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार ने बजट अभिभाषण पढ़ा और इसमें अतिरिक्त एकेडमिक काउंसिल व सिंडिकेट के सभी प्रस्तावों को सीनेट की स्वीकृति मिल गई। तो यहाँ पे जो डिटेल से जो जानकारियाँ आ रही थी ये भी महत्वपूर्ण और ख़ास थी। तो चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं, यहाँ भी वही चीज़ कहा जा रहा है, जो कि पटना विश्वविद्यालय में शोध व एकेडमिक कार्य पर होगा, यहाँ पे रहेगा विशेष जो। तो यहाँ जो जानकारियाँ दी गई है और तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे सब कुछ भी मेंशन किया गया। आप इन सभी डिटेल्सों को जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन, नेट तोड़ा, तो ये भी जानकारियाँ महत्वपूर्ण है। तो जो डिटेल से जो जानकारी सामने आ रही है भी महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। और यहाँ पे अनुकंपा पर कर्मचारियों की बहाली को लेकर के 45 दिन में, जो कि सीनेट सदस्य सुबोध कुमार ने कर्मचारियों की समस्याओं पर सवाल उठाए और वहीं ये भी कहा गया कि अनुकंपा पर बहाली और कर्मचारी को पदोन्नति प्रमुख रही है। तो ये भी जो जानकारियाँ थी ये भी महत्वपूर्ण और खास थी। तो आज की डेट में जो भी जानकारियाँ थी हमने आपके साथ में साझा किया। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक फेसबुक लिंक दिया गया, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।